आजकल के माँ बाप को क्या हो गया? दिमाग नाम की कोई चीज उनके पास बची है कि नहीं बची है? उनको इतना समझ में नहीं आता है कि कौन सी जगह को किसी बच्चे के लिए सही हो सकती है और कौन सी जगह गलत हो सकती है। ये मैं मान सकती हूँ कि आपको बच्चा नहीं चाहिए, आप उस बच्चे को पालना पोसना नहीं चाहते हैं, आप गर्भवती हो गई है, प्रेग्नेंट है, बच्चे को जन्म और उसको अबॉर्ट करने का समय भी पास हो चुका है, अब आप उसको अबॉर्ट भी नहीं करवा सकते हैं, तो आपके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं बचा है कि आप उस बच्चे को जन्म दें। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि बच्चे को जन्म देके उसको टॉयलेट की सीट के अंदर स्टक करवा दीजिए, उसको फंसा दीजिए उसमें? शायद कोशिश तो ये होगी कि वो फ्लश हो जाए टॉयलेट सीट के अंदर, लेकिन दुर्भाग्य से, आपका दुर्भाग्य वो कि बच्ची फंसी रह गई उस टॉयलेट सीट में और ये पूरा मामला सामने आया। नमस्कार, मैं हूँ मोनिका आर्य। नवजात शिशुओं को बचाने की मुहिम पालोना में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बहुत ही दर्दनाक केस जिसके बारे में मैं यहाँ बता रही हूँ, ये उत्तराखंड के देहरादून से सामने आया है। गूगल पे स्क्रॉल करते हुए अचानक मेरी नजर पड़ी देहरादून की इस घटना पर, जो कि दून मेडिकल हॉस्पिटल के गायनिक वार्ड के पास रविवार की सुबह घटी है। सुबह 9:15 बजे का वक्त था जब एक सफाई कर्मी दून हॉस्पिटल के गायनिक वार्ड में, जो कि गेट नंबर 6 के पास एक टॉयलेट है, वहां पर सफाई करने के लिए पहुंचा था। वहां पर पहुंचा तो देखा कि वहां टॉयलेट के अंदर जो सीट होती है उसके अंदर वो एक बच्चे का जो सर है वो उसके अंदर फंसा हुआ है। ये जो शिशु है ये एक लड़की थी। तुरंत उस बच्चे को वहां से निकालने की कोशिश हुई, लेकिन वो इस तरह से फंसा हुआ था कि उसको निकाला भी नहीं जा सकता था। स्वीपर की सूचना पर जो हॉस्पिटल में उस समय इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात थे डॉक्टर अमित के बारे में बताया गया है स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट से, तो डॉक्टर अमित वहां पर पहुंचे और इसके साथ ही पुलिस को भी क्योंकि सूचना हो चुकी थी तो कोतवाली थाने से भी एक टीम हॉस्पिटल में आ गई। किसी तरह से उस टॉयलेट सीट को तोड़कर उस बच्ची को वहां से निकाला। कोशिश ये थी हॉस्पिटल प्रशासन की कि उस बच्ची को जीवित बचाया जा सके, लेकिन जब डॉक्टर्स ने उसका चेकअप किया तो देखा कि बच्ची का देहांत हो चुका है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। ये कहना बहुत मुश्किल है कि बच्ची की जो मृत्यु है वो जन्म लेने के दौरान हुई, या उसको कहीं और से मारकर उसको वहां पर डाला गया, या वहीं पर उस बच्ची को जन्म दिया गया, या बच्ची स्टिल बॉर्न ही थी पर लाकर वहां पर उसको डाल दिया गया। पुलिस भी इन तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी नहीं लग रही है, ऐसा लगता है कि बच्चे को कहीं से लाकर वहां पर डाला गया। इस मामले में जो कोतवाली थाना प्रभारी है चंद्रभान अधिकारी जी, उन्होंने बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जैसा भी मामला बनता है उसके अकॉर्डिंग FIR दर्ज कर ली जाएगी। इस बीच में जो हम दून हॉस्पिटल के चिकित्सा अधीक्षक हैं डॉक्टर अनुराग अग्रवाल, उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट एडमिट हैं, जितनी भी प्रसूताएं एडमिट हैं, सबके रिकॉर्ड्स को चेक कर लिया गया है, सभी के बच्चे सुरक्षित हैं, उनके पास हैं, इसलिए ये तो तय है कि बच्चे को वहाँ जन्म नहीं दिया गया बल्कि कहीं और से लाकर वहाँ पर डाला गया है। पुलिस भी ये मान के चल रही है कि शायद ये हो सकता है कि एक्सीडेंटल डिलीवरी टॉयलेट में जाने के दौरान हुई हो और वहां पर ये बच्ची फंस गई हो या मौत हो गई हो उसकी वहां पर। इसके अलावा ये इस बात पर भी जांच कर रही है कि क्या कहीं और से लाकर जानबूझ के वहां पर बच्ची को डाला गया है। मेरा इसमें कहना यह है कि बच्ची को वहां पर ये एक्सीडेंटल डिलीवरी का केस तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर ये एक्सीडेंटल डिलीवरी का केस होता तो पेरेंट्स जरूर हॉस्पिटल प्रशासन से संपर्क करते, बच्ची को वहां से निकालकर बचाने की कोशिश होती है, बचाने की कोशिश नहीं भी होती, मान लीजिए वो स्टिल बॉर्न बेबी ही थी तब भी उसके क्रियाक्रम की कोशिश होती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो कुछ भी किया गया है ये एक विशेष इंटेंशन, विशेष मंशा के साथ किया गया है, इंटेंशनल एक्ट है ये जिसने भी किया है, और ये बहुत गंभीर मामला है, इसलिए पुलिस को बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन इस पे लेना चाहिए। अभी तक CCTV फुटेज में कुछ भी नजर नहीं आया है, पुलिस तफ्तीश कर रही है। अगर आपको इस तरह के इस मामले की कोई भी जानकारी है तो प्लीज देहरादून पुलिस से संपर्क कीजिए, ये एक जघन्य अपराध है, इसको रोकने के लिए आपका मुखर होना बहुत जरूरी है, चुप मत बैठिए, ये नवजात शिशुओं की जिंदगी का सवाल है, ये एक क्राइम है, हीनियस क्राइम है, मर्डर है बच्चे का और इसमें सख्त सजा होनी ही चाहिए। बस मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, जिन्होंने भी ये किया उसको सीधे करना ये चाहिए था, मान लीजिए कि
ऐसे डिलीवरी थी जिसको आप, जिसमें बच्चे को आप अपने साथ नहीं रख सकते थे, तो आप वहाँ की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से संपर्क करते और बच्चे को सुरक्षित वहां पर सौंप कर जा सकते थे। ना आपकी पहचान उजागर होती और बच्चे का जीवन सुरक्षित बच जाता, और आप भी जिन कानूनी पचड़ों में फंस सकते हैं उनसे बच जाते। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि सरकार की सेफ सरेंडर पॉलिसी के तहत इसको किया जाए। अभी तक आपने पालोना के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें और यहाँ की कंटेंट को अपने सर्किल में भी शेयर करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। नवजात शिशुओं को बचाने के लिए सेफ सरेंडर का मैसेज ये जन जन तक पहुँचना बहुत जरूरी है। बच्चों की हत्या करके क्या अपराध आप करते हैं, क्या सजा उसमें हो सकती है, कितना घृणित है ये, इसकी जानकारी भी आपको होना बहुत जरूरी है। आपका एक शेयर न जाने कितने बच्चों की जिंदगी बचा सकता है, इसलिए थोड़ा भी हिचकिचाइए नहीं और पालोना के कंटेंट को शेयर करते रहिए। इसके साथ अब मैं इजाजत लूंगी। नमस्कार।